उत्तर प्रदेश में इस समय लगातार बारिश हो रही है। इस कारण से आए दिन घटनाएं हो रही हैं। जिला चित्रकूट ब्लॉक मऊ गांव करही में लगभग 4 बजे 17 तारीख को लगातार बारिश के होने के कारण से कच्चा घर गिर गया है। उसमें माँ बेटा बेटी तीन लोग दब गए हैं। तीनों लोग 4 बजे लगभग दीवार गिरी है अचानक से, वो खाना खाने गए हैं उस घर, और जैसे ही खाना खाने बैठे वैसे दीवार पूरा गिर गई है। उसी के नीचे माँ बेटे बेटी तीनों लोग दब गए हैं। निकालते उनकी मौत हो चुकी थी तीनों लोग के। घटना यह हुई है कि खाना खवा के बच्चन का हार का तैयार रहे, वह एक एक और मुहिम भारी सी की भर भर आ गए। अब मड़ाई सबको सुना बुआ, हमें पंचन के ला मिट्टिया को के कूड़ा भाई टीन में खपर भर भर आने, तो हम उठी चारा डावर रहा वहाँ से दौड़ के आवा, तो हम कहा कहू कि गिट्टिया जाओ आओ, तो घर पलट गए। मड़ाई दौर में घुसा पलटा पलटा, तब कहे का कहू उन्हें जिंदा पाव निकारिन। फिर महतारी के हिंया लाग गया, कुल पेड़ फाड़ गए, जीव निकारी आई एठो आँख ही का उधर नहीं रही गया, बड़ी गति अगर दिल में जानते हो खटोली महनी ठार रही है मशीन के लग, जो चक्की गाड़ी रही तो खटोलिया पलटी आई रही। तो फिर जब खटोलिया तारे गदेलवा रहे तो गिटिया यहाँ चिटिक गिर है बेटा, उन्होंने जो चीर चीर निकाली हंसी से काटिन, तो फिर बेटा उन्होंने नहीं करा। पहले कहा ध्या का ढूंढो का तो ख्याल हो यार, कहा यही माँ है जो बाप कहीं, कहा यही माँ तीनों। जब दीवार गिरी है तो कैसे आवाज आई है, आप लोग रहे हैं? और बहुत ज्यादा आवाज आई है। मैं यानी कि अंदर कमरा में मैं खा के लेटा था, 1 बजे मैं खा के लेट गया था, तो फिर बाद में निकल के देखा हूँ, पहले यानी कि भैया मम्मी बरामदम लेकर लेटी थी तख्त पे, फिर अम्मा हरे चली गई हैं खेत पे, भाभी उनको भी बुला गई थी खेत पे कि भैंसे को चारा वारा डाल के आ जाना। जैसे यानी कि चारा वारा डाल दिए थे, खाली उन बच्चों को खिला रहे थे कि खिला के हम भी खेत जाएं, उतने में ही बहुत ज़्यादा यानी कि अचानक से दीवार गिर गई है, बहुत ज़्यादा आवाज़। खाना भी नहीं खा पाए, खाना वाना नहीं खा पाए, वैसे हाथ कौरा हाथ में लिए थे बच्चे के मुंह पे, यानी कि इतने दूर तक कौरा गया था उतने में ही मिल गए। कोई दिक्कत नहीं थी दीवार में, मैं देखा भी हूँ कई बार करके देखा हूँ, लेकिन दीवार में कोई दिक्कत नहीं, पहले से जब से देख रहे हैं जब से वो दीवार वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं थी दीवार में। खाना बनता था वहीं रहते थे वहीं जगह, और नाइट में ये घटना नहीं घटी है, नहीं नाइट में यानी कि पूरे परिवार वहीं सोता है। इतनी बड़ी विपदा पार गए कि मैं गाँव अभी ये घटना नहीं घटी रही, काल से पूरा गाँव सनसनी छाई लागत है, कहाँ जा जाए। पहली बार हुआ है इस तरह कोई नहीं मारा जिस तरह की ये लोग मारे, हमेशा टीका उका लगाओ के बोलावे आवत रहे, बहुत सीधी औरत रही। भगवान आए, केवल दो बच्चे थे, ऑपरेशन भी करवा ले, सबसे बड़ी बात आदमी खत्म हो गए, तो बचपन में शादी कर दिए हैं, 17-18 साल का लड़का रहा हो जब है शादी, पेट फट गया बच्चन के, तो शर्म लगा है कान से ना आओ, आओ जो है यहाँ नाक से खून आ गया था। सर करही गांव में जो दीवार गिरने से घटना हुई है जी, उसके लिए अभी तक क्या हुआ है, कितने लोग की मौत हुई है और उनके लिए मुआवजे के लिए क्या हुआ? दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है, एक श्रीमती यशोदा देवी उम्र 25 वर्ष, ऋषि कुमार उम्र 5 वर्ष, कुमारी रिया उर्फ शांति उम्र 3 वर्ष, ये घर गिरने से दब के मृत्यु हो गई है इनकी। उनको 4-4 लाख रुपए अनुग्रह सहायता के लिए स्वीकृत हित भेज दिया गया है, मऊ तहसील से भेज दिया गया है, और 32 ये 17 तारीख को भेज दिया गया है, और 3200 रुपये गृह अनुदान के लिए स्वीकृत हो गया है। क्या वजह है सर घर गिरने का? घर गिरने के लिए इनका घर निचाई में सीडन के कारण गिरा है, वर्षा भी हो रही थी, बगल में पक्का घर भी बना था जिसके कारण सीडन ज्यादा हो गई। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।